नमस्कार जोहार, मैं हूँ जया। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है उस समय से आज तक एक निश्चित समय के बाद रात और रात के बाद सुबह होती है, जो हमें संदेश देती है कि रात के बाद सुबह होना निश्चय है। हम इशारा कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं, और मुख्य धारा से भटकने के कारण वो अपने जीवन में तो अंधकार ला ही चुके हैं, साथ ही साथ औरों के जीवन में भी अंधकार ला चुके हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल है कि उनको मुख्य धारा से जोड़े, और साथ ही साथ मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जिन जिलों में हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है उन जिलों में विकास कर नया सवेरा का उदय करें। दर्शकों, अपने कार्यक्रम नया सवेरा में हम झारखंड के जिलों की चर्चा करते हैं। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं मुरहू प्रखंड। मुरहू प्रखंड खूंटी जिला का हिस्सा है। खूंटी जिला एक समय में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, पर आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से यहाँ पे नया सवेरा का उदय हो चुका है। वहाँ पे जहाँ एक समय पुरुष अपने घर से निकलने में संकोच करते थे, डर महसूस करते थे, आज महिलाएं उस घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर काम कर रही हैं। अभी हम मिलवाएंगे आपको प्रिया भगत से। प्रिया भगत बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही हैं। अपने जीवन में नया सवेरा का उदय तो ला ही चुकी हैं, साथ ही साथ और लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि वो डरे नहीं, अपने क्षेत्र में काम करें और जीवन में नया सवेरा का उदय करें। तो चलिए रुक करते हैं मुरहू प्रखंड जिला खूंटी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के विशेष प्रयास किए गए हैं। छोटी छोटी योजनाओं से जोड़कर उन्हें रोजगार मुहैया कराया गया है। ऐसे ही एक लाभुकों में मुरहू प्रखंड की प्रिया भगत हैं, जो सखी बैंक से जुड़कर अपने गांव में काम कर रही हैं। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड में उपस्थित हैं। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। सरकार के विभिन्न विकास की योजनाएं पहुंच रही है और तेजी से विकास हो रहा है। आज हम आपको एक ऐसे लाभुक से मिलवाएंगे जो JSLPS के सहयोग से बैंक सखी के रूप में काम कर रही है। इनका नाम प्रिया भगत जी है। आइए इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं वो कब से कर रही है और गांव वालों को इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है। जोहार, मेरा नाम प्रिया भगत है और मैं मुरहू की रहने वाली हूँ, और मेरा प्रखंड मुरहू है और गांव भी मेरा मुरहू है, और मैं JSLPS में बैंक सखी के रूप में अभी काम कर रही हूँ। बैंक सखी के रूप में मैं 2 साल से काम कर रही हूँ सर, और ये मुझे JSLPS के माध्यम से मिला हुआ है। और पहले तो मैं JSLPS के समूह में थी। समूह मेरा नाम है प्राची महिला मंडल, उस समूह में मैं अध्यक्ष थी। फिर हम लोग JSLPS में, हम लोग के वहाँ के दादा बताएं कि एक काम है बैंक सखी का, जो आप अगर करने में इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं दीदी। और इससे पता चला सर, मेरे घर के बगल में ही मेरी चाची सास लोग का पहले ग्रुप चलता था, जब मेरा शादी नहीं हुआ था उसके पहले, तो वो बोली चाची मेरा कि तुम लोग भी एक तो ग्रुप बना और कुछ बचत करो। तो हम लोग वही बचत किए, 20 रुपया से शुरू किए हम लोग बचत अपना, और उसी से हम लोग आज चला रहे हैं। अभी तो 50 रुपया हम लोग बचत कर रहे हैं। ट्रेनिंग सर यहीं पर पहले फर्स्ट में हुआ, यहीं हम लोग का मुरहू क्लस्टर संघ में यहाँ के पहले ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद मैं ट्रेनिंग में पास हुई, उसके बाद हम लोग का RCT जो है खूंटी बिरहू में, वहाँ पर मेरा ट्रेनिंग हुआ। 10 दिवस से ट्रेनिंग किए थे हम। और बैंक सखी का काम है सर, जैसे कि JSLPS के में जो समूह में दीदी लोग जुड़ी हुई है ना, उन लोग का खाता खोलना, जमा निकासी करना, या फिर जो दीदी लोग हम लोग CC लोन लेते हैं उसका भी यहाँ पर जमा हो जाता है। दीदी लोग को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है अब। पहले दीदी लोग बैंक जाती थी तो घंटों लाइन लगना पड़ता था, अभी दीदी लोग आती है और तुरंत में मिनटों में काम हो जाता है। पहले उनके गाँव के आसपास बैंक नहीं रहने के कारण महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती थी। इसके अलावा अन्य परिवार भी काफ़ी परेशानी का सामना करते थे। बैंक उनकी पहुंच से दूर थी, कागजी प्रक्रिया में भी उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। आधार कार्ड लेके आती है और अपना थंब लगाती है सर, और अदर बैंक में तो 10,000 का एक बार में निकासी होता है, और मेरा जो GRGB का बैंक है उससे एक दीदी एक दिन में 20,000 तक अपना निकासी कर सकती है। हाँ, पेंशन है सर, हम लोग का 2 तरह का पेंशन होता है। एक होता है जीवन ज्योति और एक होता है आपको PMGPY आपको, और एक होता है APY। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, उसमें अगर
आप अपना इंश्योरेंस कर रहे हैं तो वो साल का 436 रुपया आपका बैंक खाता से ऑटोमेटिक कट जाता है, साल में एक बार कटता है। और वो आपका मृत्यु किसी भी तरह से अगर मृत्यु होता है तो बैंक 2 लाख का बीमा कवर करता है। और आपको एक होता है एक्सीडेंटल बीमा, उसमें 20 रुपया का होता है, वो भी साल में एक बार ही कटता है। उसमें अगर आपका दुर्घटना से मृत्यु हो जाता है ना तो आपको 2 लाख, मतलब 2 लाख का बीमा मिलेगा ही आपको। अगर कोई अंग आपका दुर्घटना में अगर एक हाथ या फिर पैर या फिर कुछ टूट गया है तो आपको 1 लाख का बीमा मिलता है सर। पहले तो सर शादी हुआ उसके बाद बच्चे लोग छोटा छोटा थे तो उस समय तो कुछ नहीं करते थे, बस घर में ही रहते थे। फिर जब बच्चे लोग थोड़ा सा बड़ा हो गए तो फिर हस्बैंड बोले कि कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। तो फिर पहले तो मेरा स्टोर था, फिर वही स्टोर से ही फिर हमको JSLPS के द्वारा बैंक सखी के रूप में हमको दिया गया। तो बैंक सखी के रूप में तो आपको इसमें ले, अगर हम पारिश्रमिक की बात करें, आमदनी की बात करें, जी सर, किस तरह से होता है, कितना इस्तेमाल होती है? जी सर, इसमें हमको JSLPS के द्वारा 3,500 रुपया का हमको 8 महीना का मानदेय मिला था। और अभी इसमें हम लोग को मिलता है, जैसे हम लोग खाता खोलते हैं तो उसमें कमीशन मिलता है, फिर आपको लेन देन करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, मतलब महीना का हमको 10 से 12 हज़ार रुपया मेरा कमाई हो जाता है सर इसमें। ऐसे में सरकार ने सखी बैंक की स्थापना की। इसमें एक महिला को JSLPS के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद वह गाँव में जाकर महिलाओं को जोड़ती हैं और उन्हें प्रशिक्षित भी करती हैं। बैंक सखी महिलाओं को जागरूक भी करती हैं और बैंकों में उनका खाता खुलवाती हैं ताकि उनके पैसे सुरक्षित रहें। उसके बारे में थोड़ा बता। जी सर, मेरा यहाँ पर है, आपको लेडीज़ आइटम मिल जाएगा सर, चूड़ी हो गया, सिंगार का सामान हो गया, आप देख रहे हैं बच्चे का खिलौना सब भी रखे हुए हैं, अब बच्चे लोग आते हैं तो ये भी लेते हैं, बस और क्या, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ सामान रखे हुए हैं। ये दुकान तो मेरा पहले से ही था। हाँ, JSLPS द्वारा, मतलब जो हम लोग का ग्राम संगठन चलता है उसमें मुरहू क्लस्टर संघ के द्वारा मैं 1 लाख का ऋण ली हुई हूँ सर। और वो ऋण हम लोग को कम ब्याज दर में मिलता है। और बैंक में हम लोग का CC लिंकेज के द्वारा भी मैंने अपना 1 लाख का लिया है लोन, आपको JRGB के द्वारा हम लोग का। और वही लोन से हम लोग अपना, सब महिला लोग अपना कुछ न कुछ रोज़गार हम लोग कर रहे हैं। पहले सर मुरहू नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, ये तो सही बात है, लेकिन अब यहाँ की मुरहू का अब नहीं रह गया है नक्सलवादी क्षेत्र, अब बहुत सा बदलाव आया है यहाँ पर। यहाँ की दीदी लोग भी सब एक दूसरे को देख के निकल रही हैं घर से, मेरे ही यहाँ पर दुकान में दीदी लोग आती है अपना काम करवा के जाती है। पहले तो डर था दीदी लोग को कि घर से कैसे निकले इस तरह से, लेकिन एक दूसरे को देख के दीदी लोग को सपोर्ट मिल रहा है। और हमको भी बहुत सी दीदी लोग देख के अभी बहुत सा काम कर रही है कि ये दीदी कर रही है तो हम लोग भी करेंगे इस तरह से। मेरा एक अपना अलग पहचान बना है बैंक सखी के रूप में सर, और दीदी लोग मुझे बैंक सखी के रूप में ही जानती है। कुछ काम होता है दीदी लोग को तो वो लोग बोलती है कि वहाँ पर दीदी है प्रिया भगत, उनके पास जाइए, वहाँ पर खाता आप खोल सकते हैं। या फिर दीदी लोग कॉल भी मुझे करती है कि दीदी अभी आपका दुकान खुला है कि बंद हो गया, कितने बजे आइएगा, ये सब मुझे दीदी लोग कॉल करके पूछती है सर। अब सभी महिलाओं को बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बैंक सखी उनके दरवाजे पर जो मौजूद हैं, वही गांव की महिलाओं के पैसे बैंक में ले जाकर जमा करती हैं। गांव के लोगों के पैसे का ट्रांजेक्शन उन्हीं के माध्यम से होता है। बैंक से जुड़ी तमाम चीजों की जानकारी समय समय पर वह महिलाओं को देती हैं। देखिए, मेरे तरफ से तो पूरा सपोर्ट है इनको। एक अफसोस रहा है कि पढ़ाई नहीं कर पाए इनका, जैसे कि मैट्रिक क्लियर होने के बाद ही इनका शादी हो गया, तो इनको अफसोस था कि पढ़ नहीं पाए। बट अभी ये जो लाइफ जी रही हैं, इनका जो प्रोफेशन है, ये पढ़ी लिखी औरतों से भी एक अच्छा लाइफ जी रही है। मतलब पढ़ी लिखी औरत भी घर में रह के वो कुछ काम नहीं कर रही हैं, अपने घर में रह के जो घरेलू काम होते हैं वही कर रही हैं, लेकिन इनका जो लाइफ स्टाइल वो पढ़ी लिखी औरतों से भी काफ़ी अच्छा है। और इनको देखकर बाकी औरतों को भी बहुत कुछ एक अंदर से फीलिंग्स आ रहा है कि हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। और काफ़ी लोग, औरत लोग अब बाहर निकल रही हैं, अपना काम कर रही हैं और ख़ुद को अपना एक स्वावलंबी बना रही हैं। बहुत ही ज़्यादा पहले तो मेन चौक तक में मर्डर जैसा केस हो जाया करता था, बट अब ये सब सुनने को नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। आप गांव देहात में जाने से लोग डरते थे,
एक लेडीज़ हैं अपना काम करती हैं वो किसी कंपनी में, वो रात के 9-9 बजे तक गांव देहात से आती हैं, मतलब उनको बिल्कुल भी डर नहीं है। सोच सकते हैं कि एक लेडीज़ बाहर की लेडीज़ अगर आप गांव देहात से काम करके वापस आ रही है तो सोच सकते हैं कि पहले की अपेक्षा अभी क्या हालत होगी, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। काफ़ी विकास हुआ है, आप स्कूल बोलिए या फिर हर क्षेत्र में विकास हुआ है। दर्शकों, कर्मठ महिला प्रिया भगत से मिलने के बाद एक और महिला से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जो वाकई में एक मिसाल बनी हुई हैं। वो JSLPS के तहत जुड़कर बैंक सखी के रूप में काम कर रही हैं। बैंक सखी क्या होता है, बैंक सखी में जुड़ने से क्या लाभ मिलता है, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए चलते हैं पुनः मुरहू प्रखंड जो खूंटी जिला का हिस्सा है और मिलते हैं दीपा सुरेन से। ऐसे ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गिने जाने वाले खूंटी जिला के मुकला गांव की दीपा सुरीन झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS से जुड़कर गांव की महिलाओं को सखी बैंक से जोड़ रही हैं। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खूंटी जिला एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो घर से लोग निकलने से कतराते थे, डरते थे और यहाँ पर विकास की धारा भी नहीं बह रही थी, लेकिन आज समय बदल गया है और अब जो है काफ़ी इसमें बदलाव आया है। अब खूंटी में काफ़ी विकास हो रहे हैं। आज हमारे साथ पोकला गांव में हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर एक बैंक सखी है जिनका नाम है दीपा सुरीन जी, जो कि ये बताएंगी कि किस प्रकार से इनके जीवन में बदलाव आया है और ये बैंक सखी के रूप में कार्य कर लोगों की किस प्रकार से मदद कर रही हैं। सभी को जोहार, मेरा नाम दीपा सुरीन है, गांव पोकला, और फिर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इस बार कंप्लीट होने वाला है। पढ़ाई के साथ साथ बैंक सखी का रूप में भी कार्य करती हूँ। दीपा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो बैंक सखी के रूप में, पहले तो ये बताइए कि चयन कैसे हुआ। JSLPS के तरफ से एक दीदी, हम लोग गांव की है, JSLPS में कार्य करती है, तो वही दीदी बताई थी बैंक सखी के रूप में काम करेगी कि नहीं बोल के। फिर आए मुरहू ब्लॉक में, मेरा ट्रेनिंग लिया गया, फिर कार्य करने शुरू किए। आपकी जो पढ़ाई की अगर बात करें तो आपने कितना पढ़ाई वगैरह किया? ग्रेजुएशन इस बार कंप्लीट होगा। अच्छा, इस बार कंप्लीट होगा, अभी तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो आप तो बैंक सखी के रूप में काम कर रही हैं, तो जो बैंक का जो सारा काम है वो आपको मालूम है? हाँ। प्रशिक्षण वगैरह लिए? हाँ, मुरहू ब्लॉक में किया गया था प्रशिक्षण। किया गया, क्या बताया गया उसमें? पैसा का लेन देन करना, जमा निकासी करना, लिंकेज CCL लिंकेज करवाना। आज की तारीख में मोकला गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव की महिलाएं सखी बैंक से जुड़ रही हैं। दीपा सुरीन JSLPS से प्रशिक्षण के बाद बैंक सखी के रूप में कार्य करने लगी। अब वह गांव-गांव घूमकर लोगों को बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं। शिक्षित तो बहुत कम है, अभी शिक्षित हो रहे हैं धीरे धीरे से। दिक्कत होती है, पहले तो नहीं थे इसलिए दिक्कत होती, अभी तो हम जाते हैं तो जाके हमको बोलते हैं तो फॉर्म भरना है, भर दीजिए बोल के फिर मदद कर देते हैं। जैसे फॉर्म भरना होता है निकासी या जमा करने का, तो फिर हम भर देते हैं फॉर्म। पासबुक और आधार लेके लाते हैं तो हम उसमें नाम देख के भर देते हैं पर्ची में। फिर ठेपा यहाँ लगाना है बोल के हम बता देते हैं, फिर लगा के जहाँ निकासी होता है या जमा होता है वहाँ चल जाती है। तो बीमा के बारे में, जीवन ज्योति बीमा, फिर सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन बीमा। अटल पेंशन योजना के लिए उसके एज के हिसाब से होता है, जिसका एज, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। क्या पहले की स्थिति के बारे में बताइए? पहले तो फिर अपना कुछ, अभी क्लास जाते हैं तो क्लास के लिए भाड़ा उड़ा देना पड़ता है क्लास जाने के लिए, तो वो भी नहीं हो रहा था। फिर कॉपी किताब भी लेना होता है तो नहीं होता था। घर से माता पिता क्या करते हैं? माता पिता कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। हाँ, मेरी माँ सही काम करती है बस। माँ पिताजी कुछ नहीं, बस खेती बारी करते हैं। उससे बहुत ज्यादा आय नहीं हो पाती? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं आय होती थी। अच्छा, तो बैंक सखी के रूप में जब आप काम करने लगी तो आपकी इनकम में कुछ सुधार हुई है? हाँ, सुधार हुई है।
एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह से आप काम शुरू कर रही थी तो आपके घर वाले तो कहीं ना कहीं विरोध किए होंगे कि भाई क्या इस तरह से तुम काम कर रही, कुछ ऐसा बोले थे? तो नहीं, विरोध तो नहीं किए थे। नहीं, नहीं, सब मदद किए आपको? हाँ, सब मदद किए, घर वाले मदद किए। हाँ। अच्छा, और आज आपको खुशी हो रहा है? हाँ, बहुत खुशी हो रहा है। क्या क्या खुद, किस प्रकार खुद से हम कर पा रहे हैं, अपना सारा काम कर पा रहे हैं? अच्छा, तो लोग आपको बैंक सखी के रूप में जान पा रहे हैं? हाँ, जान पा रहे हैं। चाहे किसी को पैसा जमा कराना हो या निकासी, समूह को ट्रांजेक्शन हो या खाता खोलना, इसके अलावा पेंशन एवं बीमा सेवाओं का लाभ भी वह मुहैया कराती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए अब ग्रामीणों को बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकल गया है तो दीदी लोग सब कोई निकल रही है और हम जाते हैं गांव, तो वहां जाके बताते भी हैं और सब कोई पहचान भी रही है हमको, बैंक सखी के रूप में कार्य करती है हमको। हम लोग बैंक जाते हैं तो मदद भी कर देती है, बल्कि जाते हैं गांव तो आदत भी हो गया है। अभी तो शुरू शुरू डर लगता था, लेकिन अभी आदत हो गया है तो उतना सब जानते भी हैं कि बैंक सखी है, बल्कि इसीलिए नहीं डर लगता सम्मान है। देते हैं। हाँ, सम्मान भी देते हैं। अच्छा। और आपके घर में और कौन कौन है? मेरे गाँव घर में बस मेरी माँ पापा, फिर हम, फिर मेरी बहन है, छोटी बहन, अभी 7th क्लास में पढ़ाई कर रही है। बहन छोटी है आपसे? हाँ। अच्छा, और आने वाले समय में क्या करने का इरादा है? आने वाले समय में तो और आगे बढ़ना है। ये मुझे बहुत अच्छे से मदद करती है, जिसे कोई फॉर्म अगर बैंक का रहता है, कुछ समझ नहीं आता है तो ये मुझे वो बताती है, और मुझे ये बीमा के बारे में पता नहीं था, उसकी जानकारी इन्होंने दी और उसके बाद मैंने अपना बीमा सब कर। दीपा को मैं 2 साल से जान रही हूँ। हाँ, इनका ये भी एक एज अ स्टूडेंट ही है, तो ये अपने पॉकेट मनी के लिए ये बैंक सखी का अपना काम ये कर रही है, तो इन पे बहुत ही बदलाव आया। पहले इन्हें अपने माता पिता पे डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन अब ये खुद सक्षम हो गई है, अब ये अपना खुद का खर्चा खुद उठा सकती है और अपना पढ़ाई भी साथ साथ कर रही है। पहले के बराबर अभी बहुत ही सही हो गया है, वैसा अभी कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो मैं आराम से आ जा सकती हूँ, कहीं कोई डर भय नहीं। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, आज लोग उन्हें बैंक वाली दीदी दीपा के रूप में जानते हैं। पहले की तरह दीपा अब अपने क्षेत्र में पहचान की मोहताज नहीं रह गई है। सबों को जोहार, मेरा नाम फिलिप बारला है और मैं जागृति सिलिप, जो हमारा मुरूप प्रखंड है, वहाँ पर एरिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो जो हमारी बैंक सखी है ये दीपा, इनका चयन बतौर परीक्षा एग्ज़ाम के माध्यम से हुआ था, उसमें उनका मेरिट लिस्ट आया, फिर उनका चयन हुआ, फिर इनका ट्रेनिंग 10 दिन का ट्रेनिंग ब्लॉक स्तर पर रखा गया था। उसके बाद ये अपना काम जो है वो अपने पंचायत में या ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो जो परिवर्तन आया है, जैसे हम लोग इनके ऊपर देख रहे हैं, ये परिवर्तन ये है कि जो पहले की स्थिति थी, उनके परिवार की स्थिति या खुद की स्थिति बोलेंगे, तो उनमें ये परिवर्तन आया कि वो खुद का खर्चा बैंक सखी का काम करके वो खुद उठा रही हैं, और साथ ही साथ जो अपना कॉलेज की पढ़ाई है उसको भी जारी रखी हुई हैं। तो यही सब परिवर्तन इनके जीवन में मैंने अभी तक देखा है। धन्यवाद। जीएसएलपीएस का क्या सहयोग रहा? जीएसएलपीएस का ये सहयोग रहा है कि जैसे ये बैंक सखी हैं, तो जो भी सरकारी योजनाएं बैंक से मिलती है, बीमा का या लोन का, उनको ये जो जीएसएलपीएस है वो कभी कभार इनको ट्रेनिंग देती हैं और वही उनके काम में मदद आता है। दर्शकों, हमने किताब के पन्नों में पढ़ा था कि महिलाएं अगर सजग होगी तो देश भी सजग होगा, और आज के अंक में हमने दो महिलाओं से मुलाकात की, पहली प्रिया भगत और दूसरी दीपा सुरेन। दोनों ने हमें बताया कि क्षेत्र कोई भी हो, डरने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है। अब वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन चलते चलते पुनः आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके समक्ष कभी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको देख के आपको थोड़ा भी शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर उसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। मुख्य धारा से भटकना यानी अपने आपको अंधकार में ढकेलना है। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।